और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से जो आ रही है, जहां एटीएस टीम देवबंद दारुल उलूम के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि छात्र बांग्लादेश के फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए देवबंद में पढ़ाई कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एटीएस टीम ने देवबंद दारुल उलूम में एक छात्र को अरेस्ट किया है, ऐसी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि छात्र बांग्लादेश के फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में पढ़ाई कर रहा था। कई संदिग्ध गतिविधियों में भी इस छात्र के शक है। गिरफ्तार छात्र बांग्लादेशी बताया जा रहा है। और हमारे सहयोगी रणवीर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रणवीर, और क्या जानकारी मिल पाई है, किस तरह गिरफ्तारी हुई इस छात्र की? देखिए, बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी मूल का नागरिक है, जिसने फर्जी दस्तावेज बनाए और उसके जरिए वो भारत में आया, देवबंद में गया और छात्र बन गया। ये रडार पर था और इसकी कई ऐसी गतिविधियां थी जिसमें पता चल रहा था कि इसके कुछ कनेक्शन पाकिस्तान से भी थे और इसने ट्रेनिंग भी ली थी। और लगातार 2015 से फर्जी कागजों के जरिए ये देवबंद में रह रहा था। इसी वजह से एटीएस के रडार पर होने की वजह से देर रात एटीएस की टीम दारुल उलूम देवबंद पहुंची और वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किन किन लोगों के कनेक्शन में था, कैसे ये भारत आया, किसकी मदद से, और जो ट्रेनिंग वगैरह हुई है उसमें कौन से लोग थे जिन्होंने मदद की है। तो तलहा नाम के इस छात्र के जरिए एटीएस अब कोशिश ये करेगी कि इस पूरे नेटवर्क का पता किया जाए और ये देखा जाए कि ये बाहर से आ करके यहाँ रहने वाले। बहुत शुक्रिया रणवीर, सारी जानकारी के लिए। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते हैं।